हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को रक्षाबंधन के बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आरसीसीबी के बारे में जानेंगे। चूंकि आरसीसीबी जो है हमारी फैमिली हमें अपने और हमारे बच्चे को इलेक्ट्रिकल शॉक, बिजली के करंट से हमें प्रोटेक्शन देता है, तो हमें जो है इसके बारे में आज जो है पूरी तरह से हम क्लियर होंगे कि यह जो आरसीसीबी जो होता है वह किस तरह से काम करता है, किस तरह से इलेक्ट्रिकल शॉक से हमें और हमारी फैमिली को बचाता है। दोस्तों, आप बोलेंगे वैसे तो एमसीबी भी हमें प्रोटेक्शन देता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एमसीबी जो है इसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी जो है हमें इलेक्ट्रिकल शॉक, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, ओवर करंट या शॉर्ट सर्किट हो गया है तो उस जगह जो है हमें हमारे घर के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, उसे प्रोटेक्ट करता है दोस्तों। लेकिन यह हमें हमारी फैमिली को इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रोटेक्शन नहीं देता है। इसीलिए जो है दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपके लिए लाया है आरसीसीबी। दोस्तों, आज जानते हैं आरसीसीबी पे हम लोड डालेंगे और यह किस तरह से, क्या फंक्शन है, किस इसका वर्किंग स्टाइल क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो फटाफट से हम क्या करते हैं, इसमें इनपुट देते हैं और आउटपुट भी डालेंगे और देखेंगे यह जो है किस तरह से हमें प्रोटेक्शन देता है। दोस्तों, हम फटाफट से हम क्या कर रहे हैं, इनपुट डाल रहे हैं इसमें। इनपुट के लिए हमने क्या किया, जो है पावर सप्लाई वाला जो है हमने इस पे कनेक्शन ले लिया है और चेक करने के लिए जो है हम क्या करने वाले हैं, चेक करने के लिए एक इसमें जो है इनपुट पे भी हम एक बल्ब को जला रखने वाले हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे जो इनपुट सप्लाई है वह आ रही है नहीं आ रही है। दोस्तों, हमने इनपुट सप्लाई जो है लोड डाल दिया है, इनपुट सप्लाई कनेक्ट कर लिया है, पावर सप्लाई कनेक्ट कर लिया है, उसके साथ हमने एक बल्ब को भी अटैच कर लिया है। दोस्तों, अब जो है हम क्या करेंगे, एक लोड डालेंगे, लोड पे भी एक हम बल्ब डालते हैं। लोड के लिए भी हमने क्या किया, एक बल्ब ले लिया है और साथ में जो है एक हम ऐसे वायर को यूज करेंगे जिन्हें हम ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे, जिन्हें हम अर्थ से कनेक्ट करेंगे ताकि आपको जो है अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। दोस्तों, हम इसे टाइट कर ले रहे हैं स्क्रू को जल्दी से। दोस्तों, हमने कनेक्शन कर लिया है, अब बारी आती है इसे सप्लाई देने की और हम फटाक से इसे क्या करते हैं, सप्लाई, पावर सप्लाई देते हैं। दोस्तों, हमने पावर सप्लाई भी दे दिया है। आप जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने इनपुट पे एक बल्ब लगा रखा है और यहाँ तक जो है हम इनपुट पे हमें पावर सप्लाई आ रही है, उसके लिए हम मल्टीमीटर भी आपको दिखाएंगे ताकि आप पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, देखिए, आप जैसा देख पा रहे हैं इनपुट पे जो है हमें प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा है, 230 के ऊपर वोल्टेज अच्छी मिल रही है, ठीक है। दोस्तों, अब क्या करने वाले हैं, दोस्तों हम इसे ऑन करने वाले हैं, इस आरसीसीबी को ऑन करते हैं। जैसे ही हम ऑन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, लोड वाला बल्ब भी जल रहा है। दोस्तों, यहाँ पे जो है, यहाँ का भी मैं आउटपुट वोल्टेज भी दिखा दूँ, या जो यहाँ भी क्या है, आउटपुट पे भी सही वोल्टेज आ रहा है, मतलब लोड हमारा अच्छा काम कर रहा है। अब बोलेंगे ये हमें प्रोटेक्शन किस तरह से करता है। दोस्तों, उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने उसके लिए जो है ना एक एक्स्ट्रा वायर यूज कर रखा है ताकि हम क्या करेंगे, इसे जो है अर्थ के संपर्क में लाएंगे। तो अब क्या है, अब जो है हम देखिए, आपने हम आउटपुट पे जो है इस वायर को कनेक्ट कर लिया है, अब जो है हम अर्थ वायर के संपर्क में लाते हैं। तो अर्थ वायर हमारे पास अभी कहाँ से आएगा, यहाँ दोस्तों आप जानते हैं जो इलेक्ट्रिकल, ये जो आपको एक्सटेंशन बोर्ड दिख रहा है जिसमें जो तीन पॉइंट लगा हुआ है, एक फेस होता है, एक न्यूट्रल होता है और एक अर्थ पॉइंट होता है। चूंकि हमारा जो बिल्डिंग है वो अर्थ किया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इस अर्थ से कनेक्ट करेंगे और देखेंगे क्या आरसीसीबी जो है हमें अर्थ लीकेज से बचाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, आप देखिए क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने कनेक्ट किया दोस्तों क्या हुआ, जो आरसीसीबी का स्विच है वो बंद हो गया और हमारा आउटपुट का बल्ब भी बंद हो गया, लेकिन इनपुट पे सप्लाई है। मतलब दोस्तों, ये समझ में आ रहा है यहाँ पे कि जो है आरसीसीबी
यूज यदि हम करते हैं, यदि आरसीसीबी के आउटपुट पे जो है किसी तरह का अर्थ या सॉकेट शॉर्ट सर्किट होता है या फिर अर्थ से लीकेज हो जाता है करंट, तो उस कंडीशन में आरसीसीबी क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक अपने आप बंद हो जा रहा है। दोस्तों ऐसा बंद हो गया है तो आप क्या करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि हमारा आरसीसीबी जो है बंद हो गया है, तो आप जाएंगे उस आरसीसीबी को उठाने के लिए। दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, आरसीसीबी को फिर से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर से इसे ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों मैं जैसे ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, दोबारा वो अपने स्थिति में चला जा रहा है, मतलब ऑन नहीं होना चाह रहा है। इसका मतलब यह है कि दोस्तों यहां से समझ में आ रहा है कि यह आरसीसीबी हमें यह बताना चाह रहा है कि जो है अभी आपका जो है करंट वह लीकेज अर्थ के संपर्क में है, हम ऑन होने वाले नहीं है, क्योंकि यदि हम ऑन हो गए तो आपके घर में या तो किसी को करंट लगा हुआ है या हमारा जो है करंट वो लीकेज हो रहा है। दोस्तों इस तरह से जो है आरसीसीबी क्या होता है, देखिए नहीं उठ रहा है। अब जैसे ही हम इसे हटा लेंगे, यहाँ से अर्थ के संपर्क से हटाएंगे, तो क्या होगा, यह जो है दोबारा ऑन हो जाएगा। दोस्तों आप देखिए ऑन हो गया। इस तरह से जो है हमें क्या है, आरसीसीबी हमें इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रोटेक्शन देता है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और आप लोग निश्चित ही आज के बाद अपने फैमिली को बचाने के लिए अपने घर में आरसीसीबी का यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। दोस्तों वैसे तो मैंने अपने लिए आरसीसीबी जो है मंगा लिया है ताकि मैं अपने घर में यूज करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने फैमिली को सुरक्षित रखें, और सुरक्षित रखने के लिए आप जरूर आरसीसीबी का उपयोग करें। दोस्तों वैसे कॉस्ट वाइज जो है एमसीबी के पेक्षा आरसीसीबी जो है 2 से 3 गुनी महंगी होती है। दोस्तों एक बार हमने यदि खर्च कर लिया तो हमारे घर में के पूरी फैमिली हमारे इलेक्ट्रिकल शॉक से पूरी तरह से सेफ है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। Yeah.